क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है कमला हैरिस से जो मुलाकात होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसको लेकर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद फिर यहाँ से लगभग 3 बजे के करीब अमेरिकन टाइम से प्रधानमंत्री मोदी इसी गेट से यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर व्हाइट हाउस का वो वाला बिल्डिंग है जिसे आप एग्जीक्यूटिव ऑफिस कहते हैं, आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस, उसमें उसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1 घंटे तक मुलाकात होनी है और उसमें बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, क्योंकि हमारे दर्शकों को याद होगा कि कमला हैरिस जिस समय उम्मीदवार बनी थी तब से लगातार प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं संदेश भेजा था, कमला हैरिस ने कई बार फ़ोन पर उनसे बात की थी और अब कमला हैरिस के ऑफिस की तरफ से भी बताया गया है कि ये जो मीटिंग होने वाली है ये मीटिंग कितनी अहम है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले कमला हैरिस और प्रेसिडेंट जो बाइडन, इन दोनों की आपस में मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने से ठीक पहले। लंच पर प्रेसिडेंट बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में रणनीति बनी है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मीटिंग हो तो ये प्लानिंग की जा सके कि अमेरिका भारत से क्या उम्मीद रखता है और भारत को बदले में क्या देना चाहता है। तो निश्चित तौर पर क्वाड समिट से कम आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री अभी अपनी 6ठी मीटिंग को यहाँ पर कर रहे हैं तो 7वीं मीटिंग के तौर पर कमला हैरिस के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात बेहद अहम साबित होने वाली है और उसमें जो इंडिया कनेक्शन है जिसको लगातार प्रधानमंत्री कई बार खुलकर कहते भी हैं कि कमला हैरिस की माँ का इंडिया कनेक्शन और इसको बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करती हैं कमला हैरिस, मुझे लगता है कि वो इंडिया कनेक्शन इस बातचीत का मुख्य फोकस रहने वाला है। जी आप जो बता रहे हैं वाकई में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक क्विक रिएक्शन में हमारे सभी मेहमानों से लेना चाहूँगा। दीपक सर, आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आने वाले समय में, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, क्वाड इज इम्पॉर्टेंट, ऑकस जो है वो फ्लैश इन द पैन की तरह आया, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशंस अमेरिका और इंडिया के बीच में आप कैसे देख रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब सबसे पहले हर कोई ये देखना चाहेगा कि बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में केमिस्ट्री कैसी होगी? 2 बार ये पहले मिल चुके हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, 3 बार फोन पे बात कर चुके हैं, इस साल बायलैटरली बात की थी, मुबारक दी थी, वर्चुअल जो समिट हुआ था क्वाड का उसमें बातचीत हुई थी, फिर जो पैंडेमिक के बारे में बातचीत हुई तो काफी उनकी मुलाकात हुई, G7 में भी जब भारत नहीं जा पाए थे प्रधानमंत्री मोदी तब भी वहां पर उनकी प्रेजेंस थी वर्चुअली। ये इनकी रिलेशनशिप तो मैं समझ सकता हूँ सर, उम्र में जरूर फर्क है लेकिन दोनों वही चाहते हैं जो इस समय सारी दुनिया चाहती है। इंडिया की एस्ट्रेंजमेंट यूएस, अगर वो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुई थी जब लोग कहते थे कि भाई आप तो सोवियत संघ के चमचे हैं, सोवियत संघ टूट गया, हमने कहा शायद अब दोस्ती होगी, लेकिन फिर उस समय अमेरिका का ध्यान चीन की तरफ था। अब जब चीन ने आंखें दिखानी शुरू की हैं तो दुनिया में और कोई नहीं बचा जो चीन का मुकाबला कर सकता है, जमीन पर जो हमने लद्दाख में करके दिखाया और समुद्र में हमारे पानी के जहाज वहां घूमते रहते हैं, चीन कुछ नहीं कर पाता, डरता है, शोर मचाता है, गाली देता है, बहुत कुछ करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये सब अमेरिका देख रहा है कि पैसिफिक ओशन को मैं संभालूंगा और इंडियन ओशन को अगर कोई संभाल सकता है तो वो भारत है, इसीलिए इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है फ्री एंड ओपन, उसमें भारत की अहम भूमिका है। नाउ इट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट सर, अब ये दानी और भिखारी की रिलेशनशिप नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, अब ये रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स बनी है और वो रिलेशनशिप का आधार होता है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। सर लेकिन इसमें ना लॉ ऑफ इक्वल जो इसमें एक जो ई जो आपने इक्वलाइजिंग इफेक्ट की बात की उसमें एक बहुत बड़ा रोल है अमेरिका के नीचे आने का भी, हम तो ऊपर गए लेकिन अमेरिका जो नीचे आ गया, दैट समथिंग व्हिच इज एन अंडरलाइनिंग थॉट। जनरल कादर सर, इसको सर, इट इज स्टिल द वर्ल्ड्स प्रीएमिनेंट पावर, उसका मुकाबला अभी भी कोई नहीं कर सकता एंड इट हैज दिस एबिलिटी टू सेल्फ करेक्ट जो भारत की है, अमेरिका सेल्फ करेक्ट करेगा वापस आएगा। सर आपकी उम्र बहुत कम है, 1968 को मैंने देखा लगता था अमेरिका खत्म हो जाएगा, हर चीज में वहां तकलीफ हो रही थी, 68 में एंटी वियर
रेवोल्यूशन, ये वो दुनिया भर की ड्रग्स में ये बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन फिर अमेरिका वापस आया। भारत की तरह उसमें ये ताकत है, जब वो कोई गलत कदम उठाता है, गलत दिशा में जा रहा है, वो सेल्फ करेक्ट करता है अपने आप को। दिस इज अमेरिका स्ट्रेंथ। आप जो बता रहे हैं मैं उसमें से एक थोड़ा सा एडिशन करूंगा, आप जो बात कर रहे हैं आई टोटली एग्री। हालांकि उतना पुराना तो मैं खुद भी नहीं हूं जितना पुराना आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट जनरल खाद्यान्न, बस एक डिफरेंस है अमेरिका और भारत में। अमेरिका जो है इट क्रिएट वॉर्स and then when they create war they create economy, India creates consumption and they create economy, bas ek yahi fark hai Kadyan sahab, kya kahenge aap is par? Dekhiye, do deshon ke rishte is baat par aadharit hote hain ki unke interest common ho. Aaj ke din Bharat aur America ke common interest hain. Ek to common point China hai unka. Abhi tak pichle 20 saal mein khaaskar अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, वो सच्चाई जानते हुए भी कि उनको पाकिस्तान अंडरकट कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की मदद करते रहे। अब वो ज़रूरत नहीं है, तो अमेरिका का भारत के करीब आना तो एक स्वाभाविक बात थी। तभी दोनों का फोकस चाइना की तरफ है। भारत को तो डायरेक्ट असर पड़ता है, वो तो हमारी टेरिटरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका को असर पड़ता है वो स्ट्रेटेजिक, जिसमें उनको भारत की मदद चाहिए। भारत तो आज के दिन एक पहिए का एक्सल बन चुका है, सब देश भारत की तरफ देखते हैं किसी न किसी कनेक्शन की वजह से। तो अमेरिका चाहता है कि पैसिफिक एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो कानून बना हुआ है उसका पालन किया जाए, तो चाइना नहीं कर रहा। तो कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों देश करीब आएंगे। अमेरिका ने अभी तक भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, उम्मीद है अभी वो बंदिश में खत्म हो जाएगी। पॉइंट टेकन सर। अभी जो क्रक्स है वो ये है कि अब से जो स्कॉट मॉरिसन से है बैठक शुरू हो चुकी है, कमला हैरिस से बैठक होने वाली है, और इमरान खान खुद अपना वीडियो देखेंगे जो थोड़ी देर में रिकॉर्डेड स्पीच उनकी जाने वाली है, और तो कोई देखने वाला होगा नहीं, ये हमें दिखाई दे रहा है अभी तक की जो बातचीत हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।